Assalamualaikum everyone. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ चैट जीपीटी के अबाउट, क्योंकि हमारे पास एक हाइप बनी हुई है कि चैट जीपीटी, जीपीटी 3, जीपीटी 4 जो कि अभी मार्च के अंदर जो है वो रिलीज होने वाला है, इसी वीक के अंदर जीपीटी 4 का जो वर्जन आने वाला है तो मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी के अंदर आप एज समझ लें कि दो बंदों की लाइक कन्वर्सेशन होती है, उसके बेस पे हमारा ये मॉडल काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो और आपको रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ एज अ डिस्कस कर रहा होता है। तो चैट जीपीटी का मॉडल एक्चुअल में हमारे पास इसी जो है वो वे पे काम करता है कि आप उसको कुछ टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा देते हो और उसके अंदर वो जो भी आप कंटेंट देते हो उसके हिसाब से वो जाके जो है वो डेटा लाता है और आपको रिप्रेजेंट कर देता है। अच्छा, ये अप्रोच तो अच्छी है, जो हमारा बहुत सारा काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ के उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता था, और अभी हमारे पास चैट जीपीटी ने वो सारा काम आसान कर दिया। जीपीटी 4 जो आने वाला है वो भी हमारे पास एक समझ लें कि बहुत ही क्लास लेवल की एक इन्वेंशन है। उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो भी क्लास लेवल का होगा कि ऑडियो के अंदर, इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर आप पैरामीटर्स में डेटा देके जो है वो उसका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन चैट जीपीटी को मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर यू एज एन एआई मॉडल। तो आप अगर चैट जीपीटी को खुद भी लिखेंगे कि आप एज अ एआई मॉडल जो है वो क्या क्या नहीं कर सकते, तो आपको कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे या कुछ वो चीजें आपको डिस्प्ले कर देगा जो कि बहुत ही आप समझ लें कि वैल्यूएबल है फॉर ह्यूमन रिप्लेसमेंट। या आपको बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी दिखती हैं कि चैट जीपीटी आपको या ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, या जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, या उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे समझ लें कि स्किल्स हैं उनको रिप्लेस करने वाला। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कुछ फर्क तो पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ही बढ़ेगा और इस हद तक बढ़ेगा कि आपको जॉब्स मिलना भी मुश्किल होंगी। ये अभी नहीं लेकिन कुछ सालों के अंदर ये लाजमी हो जाएगा, क्योंकि इसने इतना काम आसान कर दिया है कि हर बंदा जिसको थोड़ी सी भी कुछ चीजें आती है वो आराम से उन चीजों को परफॉर्म करके अपना काम कर सकता है विथ एआई मॉडल्स। और सिर्फ चैट जीपीटी और जीपीटी 3 नहीं आए या जीपीटी 4 नहीं आया, इसके अलावा गूगल के या उसके अलावा बहुत सारे 3D एनिमेशन इमेजेस के लिए, आपके जो मैप्स बनाते हो आप उसके लिए, आपके हर तरह के AI के मॉडल आ चुके हैं जो कि कुछ फ्री हैं, कुछ आपको पे करके यूज करना पड़ता है प्रीमियम में, लेकिन वो बहुत ही आपकी चीजें जो है वो आप समझ लें डेंजरस है, जो आपके स्किल्स लेवल को जो है वो आप समझ लें बढ़ा भी सकती है और इन फ्यूचर खत्म भी कर सकती है। लेकिन अभी नहीं, कुछ सालों के बाद, जब तक आप अवेयर हो जाते हो उन चीजों से तब तक। ठीक है जी, तो इसके अंदर कुछ चीजें मैंने इससे पूछी कि भाई आप एज ए AI मॉडल क्या क्या नहीं कर सकते। तो इसने लिखा कि एज एन AI मॉडल या AI लैंग्वेज देर आर सर्टेन टास्क दैट आर करंटली इम्पॉसिबल फॉर मी टू परफॉर्म इंक्लूडिंग। अब वो कौन कौन से टास्क हैं जो नीचे इसने मेंशन किए हैं। एक्सपीरियंसिंग इमोशंस, I can process and understand emotions through text, but I cannot actually experience emotions as a humans do. अब देखें, ये एक मॉडल है, इसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है किसी ह्यूमन से ही। ठीक हो गया, एक डेटा है या उस डेटा के ऊपर काम करके एक ह्यूमंस के इमोशन इसको सिखाए गए हैं प्रोग्रामेटिकली, तो वो जो आप पूछते हो वो अकॉर्डिंग टू डेटा वो प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले करवा देता है, दैट्स इट। फिजिकल एक्शन नहीं कर सकता, ठीक है, एज अ डिजिटल मॉडल आई कैन नॉट परफॉर्म एनी फिजिकल एक्शन और इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के साथ ये नहीं कर सकता। लेकिन 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 हमारे पास रोबोटिक्स जो है, जो समझ लें मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं, कंप्यूटर विजन है, उस तरह के जो AI मॉडल आए हैं वो फिजिकल एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, चैट जीपीटी नहीं लेकिन वो AI के मॉडल कर सकते हैं।
कॉन्शियसनेस, आई डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस, तो इसको कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है या कॉन्शियसनेस नहीं है। उसके अलावा फ्री विल, आई ऑपरेट बेस्ड ऑन माय प्रोग्रामिंग एंड आई कैन नॉट इंडिपेंडेंट मेक चॉइसेस और यू कैन से डिसीजंस। इसको जो डेटा दिया गया है और जो उसको प्रोग्राम किया गया है, जिस पर्पस के लिए किया गया है, वो वही परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर सकता। सपोज अभी ChatGPT के पास 2021 तक का डेटा है, आप 2023 की कोई चीज पूछोगे उसको पता भी नहीं होगी। इसी तरह से आपके जो मॉडल है वो सारे के सारे डेटा के बेस पे बने हुए हैं, उनको तकरीबन जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसी डेटा के बेस पे आपको वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताते हैं। अगर कोई ऐसा डेटा जिनके पास फीड नहीं है तो वो उसके हिसाब से फिर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। क्रिएटिविटी, अब जाहिर है हम एज ए ह्यूमन, हमारे पास एक क्रिएटिविटी है, एक डिफरेंट यूनिक जो है वो ऊपर वाले ने सब सबको एक यूनिक आप समझ लें आइडियाज क्रिएट करना, क्रिएटिविटी और इस तरह की चीज़ें दी हैं जो कि सिर्फ हम ह्यूमन ही कर सकते हैं और कोई मॉडल या कोई AI मॉडल नहीं कर सकते। बिल्कुल लास्ट में इसने लिखा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट AI लैंग्वेज मॉडल्स लाइक मी आर डिजाइन टू असिस्ट ह्यूमंस इन सर्टेन टास्क, बट वी हैव लिमिटेशंस एंड कैन नॉट फुली रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सही है जी, तो कभी भी रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक क्या आपके स्किल्स को बहुत टारगेट कर सकता है। ठीक हो गया जी, तो ये कुछ चीजें थी जो ChatGPT नहीं कर सकता। इन फ्यूचर हमारे पास GPT-4 जो रिलीज होने वाला है तो उस पर बात करेंगे। अच्छा, ChatGPT के अंदर 175 बिलियन जो है हमारे पास पैरामीटर है जिन पे काम कर रहा है, और बहुत सारे रूमर्स भी हैं, ये भी हैं कि GPT-4 जो आने वाला है उसके अंदर जो चीजें आने वाली हैं वो हमारे पास कि 1 ट्रिलियन समझ लें पैरामीटर्स पे काम करेगा वो मॉडल। तो ये सारे रूमर्स हैं और ऐसा कोई समझ लें कि सही कोई सोर्स नहीं है जिसपे लिखा हो कि 1 ट्रिलियन जो है वो पैरामीटर पे काम करेगा। इवन इसका जो CEO है उसने भी कहा है कि बुलशिट है, इस तरह की चीजें नहीं है और इतने कोई पैरामीटर्स पे नहीं बनाया गया GPT-4 भी। तो ये चीजें जो है वो हमारे पास अभी वर्किंग में है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस ना ही करें। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।